Good morning everyone. Myself Silpi Singh. I am coming from CBG Misa Public Academy School. So today I am discussing class 7th subject maths chapter number 4 exercise 1.2. 1.2 के some question आपके हुए थे. Question number 2 is completed but your question number 3 is left. So क्वेश्चन नंबर थ्री से हमारा क्वेश्चन करने बाकी थे. सो लेट स्टार्ट. व्हाट इज द से क्वेश्चन नंबर थ्री. सो हियर हियर क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि इन अ क्विज टीम ए स्कोर एट -40, 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर एट 10, 0 and -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड. Which team scored more? Question mark. Can we say that we can add an integer in any order? क्या बोल रहा है कि दो टीमें आपके पास, टीम ए एंड टीम बी. टीम ए उनके 3 राउंड्स होते हैं. राउंड सपोज कर लो 1, 2 and 3. तो टीम 1 के फर्स्ट राउंड में कितने आते हैं? 40 आते हैं. सेकेंड राउंड में 10 आते हैं. थर्ड राउंड में 0 आते हैं. बट टीम बी के फर्स्ट राउंड में 10 आते हैं, बी राउंड सेकेंड राउंड में 0 आते हैं, थर्ड राउंड में -40 आते हैं. तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी टीम ने कितने ज्यादा नंबर्स स्क्वायर किया. मीन्स टीम ए का मार्क्स ज्यादा है कि टीम बी का स्क्वायर ज्यादा है, ऐसे हमें बताना है. सो लेट स्टार्ट. और ये भी बताना है कि इनके जो टीम ए एंड टीम बी जो है, क्या उनकी नंबर ऑर्डर सेम है या नहीं. सॉल्यूशन हियर टीम ए स्क्वायर ऑफ मास फर्स्ट राउंड इज 40, सेकेंड राउंड इज 10 and third round is 0 and team B scored first round में कितना 10, second round 0 and third round is -40. So that यहाँ पे हमें आपको पता है कि जब कभी भी हमें अब क्या करना. सॉरी, ये हमारे टीम ए हो. फर्स्ट ऑफ ऑल टीम ए के सारे नंबर्स को ऐड करके देखते हैं क्या आता है. ओके, सो -40 + 10 + 0. 0 तो ऑलरेडी 0 है. -40 + 10 सो -30. हाउ? माइनस प्लस माइनस, बट नंबर्स का 40 में से आपके 10 माइनस होंगे तो क्या होंगे, 30 बचेंगे. देन आफ्टर विच नंबर्स साइन कम हियर, तो लार्जेस्ट नंबर्स मीन्स लार्जेस्ट के सामने जो भी साइन होंगे वही साइन आएंगे आपके आंसर में. तो 40 के सामने माइनस में था, सो आपके आंसर -30 आ गए. मीन्स दैट मीन्स टीम ए के स्क्वायर मार्क्स कितने? -30. देन सिमिलरली फाइंड टू टीम बी. टीम बी स्क्वायर ऑफ नंबर्स फर्स्ट राउंड में 10, सेकेंड राउंड इज 0 एंड थर्ड राउंड इज -40. सेम एड ऑफ ऑल नंबर्स 10 + 0 - 40 सो दैट -30. बोथ टीम्स आर से इक्वल्स स्क्वायर नंबर. दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? बोथ टीम स्क्वायर नंबर. ओके, दोनों ने सेम नंबर प्राप्त किया है. सेम नंबर दोनों को मिला, कैसे? हाउ? बट इनके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैन वी से दैट वी कैन एड एन इंटीजर एनी अदर. मीन्स क्या जो टीम 1A थी और टीम बी जो है उन दोनों के राउंड सेम राउंड में सेम नंबर है, वो देखना है. तो
question is question number 4 in exercise 1.2. Question number 4 mein bol raha hai. Question number 4 say that filling the blanks to make the following statement true. आपके कुछ स्टेटमेंट गिवन है FIV के फॉर्म में और उसे हमें सॉल्व करके बताना है क्या ट्रू है, क्या इस स्टेटमेंट के लिए वो ट्रू है यस या नो. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस देन क्लोज ब्रैकेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको दिख रहा है ए, ये बी, ए आपका बी हो गया और ये आपका क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी. ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए किसका होता है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे जब ए है बी है तो आपका बी है तो क्या मिसिंग है -5 मीन्स ए मिसिंग था. ओके कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53 विच नंबर कम टू इन दिस ब्रैकेट टू एड टू फाइंड टू इक्वल टू -53 0. हमें ऐसा कौन सा नंबर यहाँ लाए जिससे हमारा नंबर इक्वल टू उस साइड में -53 आ जाए. सो यहाँ पे आपको -53 देख रहा है एडिशन के ऊपर अगर हम 1 रखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा या सपोज माइनस हो जाएगा तो नंबर तो लेस हो जाएगा. अगर हम 0 रखे तो क्या ये लेस या मोर होगा क्या नहीं होगा. हाउ -53 में अगर हम 0 को ऐड करें तो हमारा आंसर सेम रहेगा. हमने 0 प्रॉपर्टी भी पढ़ा है एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन. ओके सो ये 0 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है. इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 17 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 0. दिस क्वेश्चन इज व्हाट इज से आपको बोल रहे हैं कि आपके क्वेश्चन 17 में प्लस ऐसे नंबर को ऐड करें जिससे हमारे इक्वल पार्ट क्या हो जाए 0 हो जाए. तो ये कब पॉसिबल होगा 0 कब होगा यू नो डैट. अगर हम किसी नंबर में उसी सेम नंबर का सेम मीन्स सेम नंबर को अपोजिट साइन को ऐड कर दे तो वो 0 हो सकता है. दैट मीन्स ए में -1 को कर दे सपोज यहाँ साइन प्लस का है तो सेम अपोजिट साइन वाला नंबर सेम नंबर तो सेम है बट साइन के अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस डेट मीन 0. दैट इज पॉसिबल यस. तो यहाँ पे आपका इंटीजर 17 है डेट मीन्स यहाँ -17 ले सकते हैं. हाउ तो 17 प्लस माइनस माइनस डेट इज इक्वल टू 0. ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट ब्रैकेट 13 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 12 क्लोज ब्रैकेट साइन ऑफ एडिशन ब्लैंक ब्रैकेट इज इक्वल टू 13 प्लस लास्ट ब्रैकेट -12 प्लस -7 क्लोज ब्रैकेट. ओके हियर लुक एट हियर दिस इज विच प्रॉपर्टी दिस क्वेश्चन. यहाँ पे क्या दिख रहा है हियर लुक एट दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी दिस इज नंबर इज मिसिंग बट दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड व्हाट यू से ए बी एंड सी मीन्स यहाँ पे आपको ये 3 प्रॉपर्टी दे रहा है 3 प्रॉपर्टी ए बी एंड सी तो विच प्रॉपर्टी आपको जब इंटीजर 3 होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो आपको ए इज इक्वल टू क्या है 13 बी इज इक्वल टू क्या है
माइनस सेवन, तो आपको ए यहाँ पे है, ए ए सेम है, बी बी भी सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी, दैट मीन्स माइनस सेवन। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम बट, सो आई एम राइट हियर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, माइनस फोर प्लस ओपन ब्रैकेट 15 प्लस माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट माइनस फोर प्लस 15 क्लोज ब्रैकेट प्लस ब्लैंक। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपको दिया था ब्लैंक, बट इस साइड राइट हैंड साइड में दिया है। सो लेट स्टार्ट हियर। ए इज इक्वल इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव। सो ए इज इक्वल टू माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन, सॉरी 15 एंड सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। सो व्हाट इज प्रॉब्लम, पुट अप दिस क्वेश्चन। ए इज मीन्स माइनस फोर माइनस फोर, बी इज इक्वल टू 15, सो 15, तो व्हाट इज द मिसिंग ऑफ नंबर, तो माइनस थ्री। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस थ्री, विच इज क्वेश्चन नंबर फाइव। हियर कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट लेक्चर इज स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.3। सो गाइस हियर कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट लेक्चर टू मीट यू नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। सो थैंक यू, जय हिंद।